हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल SRS एजुकेशन पर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कॉमन मिस्टेक के बारे में जो हम सब अपनी तैयारी के दौरान करते हैं, और वो ये है कि हम पढ़ते तो बहुत सारा हैं पर जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो स्कोर होता है वो उतना नहीं होता जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारी तैयारी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप रिवीजन होता है, और ये एक की पॉइंट भी है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि रिवीजन करना कैसे चाहिए। तो इसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं पहले क्या करती थी कि मैं हमेशा नया पढ़ती रहती थी और मैं सोचती थी कि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो चार ऑप्शन देख के हमें ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, सही ऑप्शन को हम पकड़ लेंगे। बट ऐसा नहीं होता था, वही चार ऑप्शंस मुझे कंफ्यूज कर देते थे। तो मैंने इससे बचने के लिए एक तरीका अपनाया और वो ये था कि मैंने जो अपना रिवीजन का टाइम था उसको बढ़ाया और जो कुछ नया पढ़ती थी मैं उसको कम किया। जैसे मैंने आज अगर दो चैप्टर नए पढ़े हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो उनको पढ़ने के बाद मैं जो भी टाइम बचता था उसमें अपना पुराना सारा पढ़ा हुआ रिवीजन करती थी। इस तरीके से मैंने किया और 15 से 20 बार रिवीजन करने के बाद हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगती है। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस। हो सकता है किसी को 20 से 25 बार पढ़ने पे याद होता हो, तो वो चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कितने टाइम में चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाते हैं आपके। तो आप भी ये तरीका अपना कर देखिए, 100% आपका स्कोर पहले से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो ये आपके लिए और भी इजी हो जाएगा, आप जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। तो पहले आप सारे सब्जेक्ट्स को 15 से 20 बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। डेफिनेटली आपका स्कोर पहले से बेहतर होगा और जिन भी क्वेश्चन में आपके गलत हो रहे हैं जो भी क्वेश्चन, उन टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए एक बार, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप उनको दोबारा रिवाइज कर लीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है अपना स्कोर बढ़ाने का, तो आप भी इसे ज़रूर से करके देखिए और मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।